कप्तानी करेंगे लाहौर कलंदर की अगर मिली तो। आप क्या चाहते हैं, बनू या ना बनू? नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है, बिल्कुल बने आप। So Shaheen Shafiqi is along with us. Let's start the question answer session directly. Suhail Imran, Mohi Shah, and then Qadir Khwaja. Shaheen, assalamu alaikum. Shaheen, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप माशाल्लाह रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट की बड़े राइज कर रहे हैं, आप खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में आपकी रैंकिंग खासी बेहतर भी हुई है, फ्रीक्वेंट हो रही है क्रिकेट तीनों फॉर्मेट की, वनडे टी ट्वेंटी और टेस्ट की, तो आप तीनों फॉर्मेट का मुस्तकिल हिस्सा है, ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान टीम की कप्तान की, तो वर्कलोड को आप इस यंग एज में कैसे मैनेज कर रहे ताकि आपकी कारकर्दगी में जो इतना कंसिस्टेंसी है उसको आपने बरकरार रखा हुआ है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट को एंजॉय करूँ। तीनों फॉर्मेट है और आई थिंक जो कोविड की ये सिचुएशन, इसमें काफ़ी मुश्किल भी होता है अपने आप को मैनेज करना, बट ये अच्छा है कि ये फिजियो ट्रेनर कोचिंग स्टाफ मैनेज कर रहा है। बिल्कुल वो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले दो मैचों से रेस्ट भी किया था जो बांग्लादेश के साथ टी ट्वेंटी थे, और ये भी अच्छी बात है कि जो हमारे बेंच पे लड़के हैं वो भी जब भी उनको मौका मिलता है वो भी परफॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ जहन में है और आई थिंक मेरे लिए ये है कि मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ और हर फॉर्मेट को अच्छे से खेल रहा हूँ। मोहिशा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शाहीन, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है बांग्लादेश में खेलना एक फास्ट बॉलर के लिए, वो स्पोर्ट नहीं मिलती वहाँ की पिचेस से, वहाँ की विकेट से, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सब पाकिस्तानी जो पेसर हैं उन्होंने खासकर बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ये सेकंड टेस्ट कैसा देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा स्पोर्ट हो फिर पेस बॉलर के लिए, तो आपके क्या प्लान है और किस तरह देख रहे हैं जी? बिल्कुल जी, विकेट जो है यही एशियन की जितनी भी आप विकेट देख ले, स्लो विकेट होती है, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप में जान है और आप तगड़े हैं तो आई थिंक आप पेस से भी बीट कर सकते हैं, तो यही है कि पार्टनरशिप के साथ बॉलिंग होती है और इसमें आई थिंक हसन को भी क्रेडिट ज़्यादा है क्योंकि हसन के साथ जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ तो आई थिंक हम डिसाइड करते हैं आपस में कि कौन अटैक करने जाएगा, कौन कंटेन करेगा, तो उसमें काफ़ी उस हसन का भी रोल है और यही है कि एग्रेशन से बॉलिंग करें। एक तीन ओवर का स्पेल मिले या पांच ओवर का मिले, लेकिन एग्रेशन के साथ बॉलिंग करें और इसी में आई थिंक हमारी सक्सेस है और सेकंड टेस्ट को भी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट है, तो हमारी यही कोशिश है कि जैसे हमने लास्ट टेस्ट खेला था परफॉर्मेंस वैसे इंशाल्लाह। कादिर जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीन। बड़ी अच्छी माशाल्लाह फॉर्म लगी हुई है आपकी वर्ल्ड कप से भी और अभी भी, आपने हसन के साथ बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनाई, तो कैसा लगता है हसन के साथ आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन? बांग्लादेश की पिचेस भी जो है वो हमने देखी, अब जो पीएसएल आ रही है, पीएसएल में आपका क्या सिस्टम है, कप्तानी करेंगे लाहौर कलंदर की अगर मिली तो? कल भी आतिफ राणा साहब ने कहा कि बनाए जाने का इम्कान भी है उसको। आप क्या चाहते हैं, बनू या ना बनू? नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है, बिल्कुल बने आप। पहले तो बिल्कुल जैसे आपने कहा टेस्ट मैच का, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ हसन के साथ बॉलिंग को, क्योंकि हसन आप देख ले तो माशाल्लाह 39 आउट है उसके और 44 मेरे, तो आई थिंक पार्टनरशिप में हम बॉलिंग करते हैं और आपस में काफी अच्छे से प्लान करते हैं कि कैसे एक बैट्समैन अगर खेल रहे अच्छा तो उसको कैसे हम रोक के रखें, उसको या बॉलिंग ऐसी करें कि वो कंफ्यूज हो जाए, तो आई थिंक अच्छा लगता है हसन के साथ बॉलिंग करते हुए क्योंकि फाइट करता है, फाइटर है, और दूसरा ये कि पीएसएल में अभी टाइम है तो अभी कल वाले टेस्ट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल अगर लाहौर कलंदर से मैं खेला हूँ और आई थिंक काफ़ी मैंने लाहौर कलंदर में सीखा है और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल अगर मुझे मौका मिला कप्तानी का तो ज़रूर लुकिंग फॉरवर्ड और मेरी ख्वाहिश है कि कलंदर के लिए मैं अच्छा खेलूँ, मैचेस जीता हूँ। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अपने क्वेश्चन जो है वो टेस्ट मैच तक रखें। समीउर रहमान एंड देन मोहम्मद यूसुफ। वेल शाहीन, पीसीबी की यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जहां आप एक फ्रेश यंग फास्ट बॉलर होके आके आया, आपकी आपने अपनी पिछले दिनों की बातें की, सो ये आपका 3 साल हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, दिसंबर में,
तो इस जर्नी को लिए आप कुछ बताइए हम लोगों के लिए कि आप एक अंडर 19 प्लेयर थे, वहां से आप पाकिस्तान के टेस्ट टीम पे आए और ये आप 20 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 100 विकेट के करीब आ चुके हैं, 83 टेस्ट विकेट्स आपके लिए, वो इस जर्नी को थोड़ा बताइए और थोड़ा इंस्पायर कीजिए इस मुल्क की जो पेसर्स है उसको। थैंक यू। आई थिंक पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि आई थिंक यंगस्टर अंडर 16 से आते हुए डायरेक्ट पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, तो आई थिंक काफी मेमोरीज है मेरे लिए। और दूसरा अच्छी बात मेरे लिए ये था कि बड़े भाई रियाज अफरीदी वो खुद टेस्ट क्रिकेटर थे, तो उनको देख के उनके साथ में खेलते हुआ, उनके साथ में एकेडमी जब जाता था तो आई थिंक फास्ट बॉलिंग का शौक तो उस टाइम से भी पैदा हुआ था कि बड़े भाई माशाल्लाह वो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और दूसरा ये था कि मैं खुद ऐसा नहीं सोच सकता था कि तीनों फॉर्मेट इतनी जल्दी खेल सकूं, बट अल्लाह पाक का शुक्र है और आई थिंक जैसे तीनों फॉर्मेट खेले उसमें अल्लाह पाक ने सक्सेस दिया। तो यही है कि एंजॉय करता हूं क्रिकेट को और चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छे परफॉर्मेंस दूं। यूसुफ भाई, हसन भाई कैसे देखते हैं कि जिस तरह वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी, इतनी बड़ी उन्होंने एक नाम कमाया, विकेट सबसे ज्यादा हासिल की, तो आप क्या आपके जेन में है कि टेस्ट T20 और वन टू ओडीआई फॉर्मेट में इसी तरह परफॉर्म करके उनका जो एजाज है वो भी अपने नाम करे ताकि आपको भी दुनिया में एक अच्छे नाम से याद रखा जाए हमेशा? देखिए मैंने पहले कहा कि बिल्कुल मेरी यही कोशिश होती है कि कप्तान मुझे जब भी बॉल दे अपना 100% दूं, विकेट लेना ना लेना वो बिल्कुल मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे बस यही है कि एफर्ट कर सकता हूँ टीम के लिए, एग्रेशन से बॉलिंग करूं, टीम को मैचेस जिताऊं, कोशिश यही है कि 100% दो टीम के लिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में, तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और उसमें है कि एंजॉय करूं क्रिकेट को, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। आतिफ आजम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड देन अरसलान जावेद। I don't think Atif has any question. Arsalan, आप सवाल करें। शहीन, ये हमारा जो टेस्ट है सेकंड, ये खासकर सीरीज को फिनिश करने में बहुत अहम है, तो हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो पहले टेस्ट मैच में इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, तो इस वक्त टीम के माइंड में जो है वो क्या चल रहा है एज अ यूनिट जो है जिस तरह से टीम T20 में परफॉर्म किया और अब टेस्ट में भी पहला ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, तो मिडल ऑर्डर का कितना जरूरी होगा इस सेकंड टेस्ट मैच में परफॉर्म करना, खासकर अगर टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे नोट के हम फिनिश करना चाहेंगे तो? देखिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है बैट्समैन टच में हो, आई थिंक दो टेस्ट मैच में आप नहीं कर सकते कि एक मैच में अगर फेल हो गए तो फिर कहेंगे कि फेल हो गए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब्दुल्ला शफीक और आबिद ने स्टार्ट किया और उन्होंने कंटिन्यू किया, आई थिंक बाबर एक बात करता है कि जब भी किसी के हाथ में है वो बॉलिंग हो बैटिंग हो उसको लंबा लेके जाए, तो उन दोनों ने माशाल्लाह जैसे खेला तो एक मोमेंटम बनाया, बट एक टेस्ट में इंशाल्लाह जो टीम का कॉम्बिनेशन है और माशाल्लाह लड़के बिल्कुल रेडी है सेकंड टेस्ट के लिए और इंशाल्लाह फाइट करेंगे और जो हाई नोट से हम शुरू हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उसको अच्छे फिनिश करें, मतलब अच्छी सीरीज जीत के जाए इंशाल्लाह। इधर लास्ट क्वेश्चन तौहीद कुरैशी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिन। Two questions. First question, were you surprised at how easy it was to claim the wickets of the Bangladesh top order twice? And second question, it's not specifically related to the test match, but obviously you're going to be playing for Middlesex in England next summer. How much are you looking forward to that challenge? First one, I think not easy in test cricket to take wicket like 2-in-2 balls, so it's really tough. Test cricket, his name is test cricket because a tough cricket, every session, every minute is important. So I think I try to bowl like a fuller and enjoy my cricket. Always I'm enjoying. Not Bangladesh team, like their bats are not easy. They have some good players in this side and I just try to give up our 100%. And secondly, Middlesex, yeah, of course. Last time I have some good memories in Hampshire. So I'm looking forward for this as well. And inshallah,
I know Middlesex is a good side, and when time is come, I will inshallah try my best. Thank you so much, everyone. Thank you so much.